सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बीसी टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका एचसीएफ एंड एलसीएम और उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज वीडियो लेक्चर नंबर लेकर आए हैं आपके लिए 14। ठीक है, तो ये लेक्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा, टू क्वेश्चंस के माध्यम से एक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, अभी तक आप अगर चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब में जाकर सर्च करना बेसिक टू टॉप स्टडी और वहां पे जाकर के इसे सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल का नाम देख पा रहे होंगे बेसिक टू टॉप स्टडी। ठीक है, तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पहले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद इसका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे आपको। देखिए, जब किन्हीं संख्याओं को का एचसीएफ निकालते हैं, जब कोई संख्या है उनका हम एचसीएफ निकालें तो ऊपर से नीचे इनके जो भाजक हैं, भाजक कौन होते हैं, जो भाग देने वाले होते हैं, तो वो ऊपर से नीचे तक क्या कर रहे हैं, चलते हैं कैसे, इस तरीके से 2 4 5 3 की तरीके से। ठीक है, तथा अंतिम पंक्ति में ये 2 3 4 बचते हैं तो संख्याएं बताइए। ठीक है, इसी प्रकार के ये दोनों क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, एक क्वेश्चन दूसरा घर से करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमें से इसका कंसेप्ट समझना चाहे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम जब एचसीएफ निकालते थे किसी संख्याओं का तो इस तरीके से निकालते थे, जैसे ए बी और यहाँ सी, तीन संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तीन संख्याएं दी हुई हैं तो इस तरीके से हम देते चले जाते थे। ठीक है, और लास्ट में जो जब हमारा कॉमन नहीं कटता था, कोई भी चीज कॉमन नहीं करती थी तब हम छोड़ देते, तो ये सभी हमारे एचसीएफ होते थे। जैसे यहाँ पे कितने भाजक दिए, पहले 2 दिया आपको, 2 तार लीजिए, फिर आपको 4 दिया है, 4 तार लिया, फिर आपको 5 दिया है, आपने 5 तार लिया, और फिर आपको 3 दिया है। ठीक है, और ये कह रहा है लास्ट वाली पंक्ति कौन है, ये वाली, इसमें क्या बचते हैं, 2 3 और ये 4 बचते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब आप हमें क्या बताना है, आपको संख्याएं बतानी है, यानी आपको ए बतानी है, बी बतानी है, सी बतानी है, ये संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप सिंपल से आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो, कैसा है आपका, देखिए अब ये जो सभी संख्या है ये क्या है आपका एचसीएफ, क्या है एचसीएफ, एचसीएफ हो गया ये। अब देखिए ना फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो नंबर निकालने हैं आपको तो कर सकते हो रेशियो इंटू एचसीएफ। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा फॉर्मूला लगा लेना, और यहाँ पे रेशियो क्या है, तो रेशियो ये सभी संख्याएं हैं जो रेशियो की हैं। ठीक है, रेशियो की जगह है, तो ये सभी संख्या क्या है, रेशियो की जगह है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, तो अब यहाँ पे एचसीएफ और रेशियो रखते जाना है। तो यहाँ पे पहला हमने नंबर 1 निकाला, तो कैसे निकलेगा, 1 ये नंबर है, तो यहाँ पे पहले मैंने 2 ले लिया यानी रेशियो लिया, फिर मैंने लिया यहाँ पे क्या एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा इनका, तो कर लीजिए 2 2 4 8 8 5 40 40 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 एचसीएफ हो गया, तो 120 रखते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसे निकालेंगे कितना निकल आएगा, ये तो 240, एक संख्या तो 240 निकल आई। नंबर 2 निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, यानी यहाँ पे कितना लेंगे 3 3 × 120, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 36 यानी 360। ऐसे तीसरा नंबर निकालेंगे, तीसरा नंबर 3 तो बराबर क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे तीसरा नंबर ले लीजिए 4 रेशियो का और यहाँ पे आपका 120 हो गया और 12 × 48 कितना आ गया, 480 आ गया। तो यही नंबर है आपके, ठीक है, यही नंबर है, ये नंबर आपके निकल आए कितने, 240 360 और 1 और ये 480, तो कितना निकला है 240, ये आपका आ गया 360 और ये आ गया आपका 480। ठीक है, इस तरीके से आप इन नंबरों को निकाल सकते हो। अब देखिए यह कैसे काम करता है, तो आपको मालूम है इनकी जगह आप रखोगे, जब इन संख्या को काटते हुए आओगे तो यही बचेगा बाद में। देखिए हम आपको बता देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन कराना है, उसके बाद आपको करना है, इसलिए मैं आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर करा देता हूँ। जैसे 240 है, फिर आपका 360, फिर आपका 480, जब आप इसे काटोगे तो किस तरीके से काटोगे, पहले आपको कितने काटना है, 2 से काटना है, जैसा ये दे रहा है 2 से काटा तो ये 120 रह गया, ये आपका 180 रह गया और ये आपका 240। ठीक है, फिर आपको किससे काटना है, तो आपको 4 से काटना है, 4 से काटोगे कितना आएगा, जो यहाँ पे 4 3 12, ठीक है, और ये 4 4 16, 4 5 20, ठीक, और यहाँ पे 4 6 24, फिर आपको किससे काटना है, तो आपको 5 से काटना है, तो 5 से काट लीजिए, 5 से 5 6 30, 5 9 45,
और ये 12 आ जाएगा। उसके बाद आपको 3 से काटना है, 3 से काटेंगे 3 × 6, 3 × 9, 3 × 4 = 12। अब देखिए, अब मैंने कहा था जब तो कॉमन कटता है वो आपका एलसीएम कहलाता है, ये कॉमन। अब इसके बाद भी हम अगर काटते जाते तो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो बाद में बताया था इसने यही शेष बचेगा, तो देखिए यही शेष बच रहा है, ठीक है। और संख्या ये निकलनी थी तो संख्या भी ये निकल आई, एलसीएम हमें यहाँ से मालूम पड़ गया था। तो यही क्वेश्चन यहाँ से इसने यही बनाया कि आपको ये भाजक दे दिया, उसके बाद यहाँ पे संख्या आपको पूछी और यहाँ पे ये इनका जो बचा हुआ था रेशियो दे दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखना इसे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छा लगा। थैंक यू।